अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काइंडनेस इज़ माय पैशन के साथ यूट्यूब चैनल एक दफ़ा दोबारा पेश खिदमत है। जिन भाइयों दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने से ये आपको फ़ायदा होगा कि नई और मुफीद वीडियोस आप तक टाइम तक पहुंचती जाएंगी। लाइक मेरा राइट बनता है क्योंकि मैं दिन रात आप लोगों के लिए काम करता हूँ और ये वीडियो अपलोड आप लोग भाइयों के लिए बनाता हूँ मैं। शेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि जिन भाइयों को अभी तक मेरी वीडियो तक रसाई नहीं पहुँची, मेरे चैनल तक रसाई नहीं पहुँची, वो इस चैनल को आप लोगों के शेयरिंग की वजह से तक रसाई पहुंच सकेगी। तो टुडे माय टॉपिक इज़ मोबाइल फ़ोन। अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं मार्केट से, दोस्त से या किसी और जगह से, लेकिन आप परेशान हैं कि उस मोबाइल में कोई फॉल्ट तो नहीं है। अक्सर यही होता है कि हम मोबाइल लेके तो आ जाते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं महीना दो महीना चलता है तो उसके बाद जवाब दे जाता है। टच में मसला आ जाता है, स्पीकर में मसला आ जाता है, कैमरा में मसला आ जाता है, तो कोई कुछ होता है, कोई कुछ कहता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपसे दोस्तों के साथ एक कोड शेयर करना चाह रहा हूँ, सैमसंग के मोबाइल्स पे अप्लाई होता है, S8 पे, S6 पे, S7 पे, S5, S4, ओके, और सैमसंग J7, J5, A5, जो भी सैमसंग के मॉडल्स हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है। उसके ज़रिए आप 12 चीज़ें ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ़ोन वाला बटन जो आपको ग्रीन शो हो रहा है वो आपने प्रेस करना है, ठीक है। वो मैं आपको भी हाईलाइट कर देता हूँ कि आपने कौन सा प्रेस करना है, ठीक है। ये जो आपको मार्क नज़र आ रहा है इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट प्रेस करना है, #7353। जैसे हैश प्रेस करेंगे आपके सामने एक विंडो खुल ओपन हो जाएगी, ठीक है, विंडो खुल जाएगी। तो विंडो खुलने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चेक करना है इसकी मेलोडी, इनसाइड स्पीकर जो से आप मोबाइल कॉल सुनते हैं उसको आप मेलोडी पर क्लिक करें, साउंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं इस बस स्पीकर आउटसाइड। उसके बाद आप डिबिंग, इसकी LCD डिम करती है नहीं करती है, फ्रंट और बैक कैमरा ये ऑन द स्पॉट काम कर रहा है, ठीक है, ये बैक कैमरा चल रहा है। उसके बाद फ्रंट कैमरा, ठीक है, फ्रंट कैमरा भी काम कर रहा है। उसके बाद ब्लूटूथ चेक करना चाह रहे हैं, आया कि वर्किंग करता ही नहीं करता, उसको आप प्रेस कर रहे हैं, वहाँ ऊपर आपको साइन शो हो रहा है। उसके बाद आप LCD चेक करना चाह रहे हैं, डार्ट की सूरत में आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आपको क्रॉस का निशान शो होगा, इसका मतलब आपकी LCD ठीक है जहाँ जहाँ प्रेस कर रहे हैं। आपको इससे तसल्ली नहीं है तो आपको इससे नेक्स्ट सेलेक्ट करें ग्रिड मोड, तो आप जिधर चाहें आप उसको सिलेक्ट कर लें इस तरह, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे आप फिरेंगे इससे आपको तसल्ली हो जाएगी। इसके बाद आपने फिंगर प्रेस बैक करना है, आपने चेक करना है कि इसका सेंसर काम करता नहीं करता, सेंसर पे क्लिक करें और इसको मोबाइल को आप अपराइट रखें, एरो वहीं पे जाएगा, डाउन करें तो इस तरह जाएगा, ठीक है। ये आपको इधर से आप उसकी साइड घुमाएंगे एरो उधर जाएगा, इसका मतलब है कि आपका सेंसर भी सही काम कर रहा है, ठीक है। आप उसका सेंसर चेक करना चाह रहे हैं, सेंसर और भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखें। आपने क्या करना है, सिंपल फ्रंट कैमरे के ऊपर एक छोटा सा डॉट बना था स्पीकर के साथ, उसके ऊपर हल्का आधा इंच का फासला छोड़ के ऊपर काम करेगा, समझे, आपका सेंसर भी ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी आज की वीडियो, एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।